A very warm good evening. Welcome and Namaskar to everyone present here. Today, once again, I shall be telling talking about some interesting facts about Bhagavad Gita. Some facts which are not commonly known to every one of us. Bhagavad Gita has a total of 18 chapters, which are a compilation of 700 shlokas. Out of the total 700, Shri Krishna told 574, Arjuna told 84, Dhritarashtra 1, and Sanjay told 41 shlokas. Gita was originally spoken and written in Sanskrit, and till date it has been translated into approximately 175 languages.

बैगरवान इट इज अबाउट ए गोल्फर एंड हिज मिस्टीरियस कैडी कैडी जो होता है ना जी ये गोल्फर जब हम गोल्फ खेलते हैं गोल्फर का जो सामान उठा के उसके साथ चलता है एग्जैक्टली exactly uh, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह से है ये मूवी इज अबाउट ए गोल्फर एंड हिज मिस्टीरियस कैडी Which is inspired by Bhagavad Gita, starring Matt Damon as Arjuna. The name of the character is Arjuna. He represents Arjuna, and Will Smith as Bhagirvans. Bhagirvans का मतलब होता है भगवान. तो मतलब Will Smith ने जो है वो कृष्णा का रोल प्ले किया है. The movie is The Legend of

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्रमरुत वस्तु नवन्ति दिव्यैस्तवै देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना यो न विदु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः प्रविष्णगरकी जय सब काजारदय राखी कौशलपुरराजा पुकरे मिताई गोपद सिन्धु कृपा कर चितवा रामकृपाकर्चितवाजाय जय श्री राम ओम शांति 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 आप सभी महान भावों को मेरा दंडवत प्रणाम आपने अपॉर्चुनिटी दिया मुझे गीता शास्त्र के बारे में बोलने के लिए उसके लिए कोट कोट नमस्कार कोट कोट प्रणाम अब हम आज गीता को खत्म करने वाले हैं ये आखिरी अध्याय है इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो समरी है गीता की अठारह चैप्टर उसमें सारे दो से लेके सत्रह आ जाएंगे तो आज गीता का आखिरी चैप्टर है गुणत्र विभाग योगो नाम सारा संसार इन गुणों के ही अधीन है सोलहवें तो चैप्टर में भगवान ने बताया कि सृष्टि में दो ही चीज बनी है एक सुर और एक असुर एक जो देता है बिना लिए और दूसरा लेता है बिना दिए और जो लेता है बिना दिए उसी की व्याख्या डिटेल में किया है उन्होंने क्यों इसलिए कि इसी को समझना है और इसी को छोड़ना है जो उसकी प्रवृत्ति है उसी का त्याग करना है असुर प्रवृत्ति एंड किया है चैप्टर को दो इंपॉर्टेंट श्लोक से कहते हैं कि जो मनुष्य जीव ये शास्त्र विधि उत्सिज्य बर्तते कामकारता शास्त्र का उल्लंघन करके कर्म करता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए अपने मनमाने ढंग से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए उसका क्या होता है न सिद्धि आप नौती न सुखम न परमा गति न उसको कर्म में सफलता मिलती है न उसको सुख शांति मिलती है न परम गति मिलती है इसलिए कंक्लूड किया उस चैप्टर को तस्मात शास्त्र प्रमाणेता कार्य अकार्य व्यवस्थित इसलिए शास्त्र को ही प्रमाण मान करके क्या करना है और क्या नहीं करना है तय करो ज्ञातवा शास्त्र विधि उत्तम कर्म कारम शास्त्र की विधि को जान करके कर्म को करो चैप्टर खत्म हो गया इसी पर प्रश्न हो गया अर्जुन का सभी तो शास्त्र जानते नहीं भगवान और स्पेशली कलयुग में तो कोई नहीं जानेगा यह शास्त्र विधि उत्सृज या जनते श्रद्धा आन्विता तेषाम निष्ठा का कृष्ण सत्व तम जो शास्त्र विधि को नहीं जानता लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजा पूजा अर्चना करता है उसकी श्रद्धा को किस कैटेगरी में रखा जाएगा सात्विक राजसिक या तामसिक तो भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा नाम स्वभाव जा हरेक देहधारी की स्वभाव से उत्पन्न तीन प्रकार की श्रद्धा होती है स्वभाव जा स्व क्या है अपना भाव मैंने अंत में जो संस्कार है वो जो पैदा करता है तीन तरह की श्रद्धा सात्विक राजसिक तामसिक सत्य अनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत श्रद्धा मयो अयो पुरुषम ये श्रद्धा सहेवता। सबकी श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है जो पुराने जन्मों में कर्म किए हैं उसकी भावना जो चित्त में रिकॉर्ड हुई है उसी के अनुसार श्रद्धा बनती है और वो श्रद्धा हरेक सेल में रहती है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी अर्जुन का प्रश्न है जो शास्त्र नहीं जानता लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा यहां क्लरिफाई नहीं किया गया है एक शास्त्र न जान करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करना है और दूसरा शास्त्र को जानते हुए उसका उल्लंघन करके पूजन करना उसको निकाल दिया है वो असुर कैटेगरी में है जो शास्त्र का विरोध करता है वो असुर है ये वो है जो शास्त्र को जानता नहीं विरोध नहीं करता लेकिन श्रद्धा पूर्वक यजन करता है ये आश्रविद घोरे तपनते ये तपोजना दम्भ अहंकार काम राग बलान की अटक अलग कैटेगरी बनाई जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके और शास्त्र विधि घोरे तपो ये तपनते जना घोर तप करते हैं काम राग कामना के बश में राग के बश में स्वार्थ के बस में दम्ब के बस में अहंकार के बस में घोर तप करते हैं करशता भूत ग्राम अचेत कर्षती तीन चीजों को कष्ट पहुंचाते हैं पंचभूत जिससे शरीर बना है जीवात्मा जो अंदर बैठी है और परमात्मा जो साक्षी भाव में है तीनों को कष्ट पहुंचाते हैं उनको भगवान ने कहा इनको अलग कर दो असुरान निश्चयान निश्चय ही असुर हैं ये निश्चय असुर है इनको अलग कर दिया अब बचे कौन जो शास्त्र जानते नहीं है पढ़े नहीं है श्रद्धा है उनकी यजन करने की पूजा करने की तेईसवें अध्याय सोलहवें अध्याय में कहा था वर्तते काम करता कामना की पूर्ति के लिए शास्त्र का उल्लंघन करके काम करते हैं यहां है शास्त्र नहीं जानते लेकिन पूजा पद्धति पूरी फॉलो करते हैं तो इनको कैसे पहचाना जाए कि इनकी पूजा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है तो इनकी पूजा की पद्धति और पूजा के इष्ट देव से पहचाना जा सकता है जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तामसिक श्रद्धा वाले प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं तो ये किसकी पूजा कर रहा है उसे तुम पता कर लेते हो कि इसकी निष्ठा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है प्रश्न ये उठता है कि आदमी केवल कर्तव्य कर्म करता है कोई पूजा पाठ नहीं करता कोई घंटी नहीं बजाता कोई नाक नहीं दबाता कोई कंठी नहीं पहनता कोई वो नहीं करता उसको कैसे पहचानोगे बाहर से देख नहीं सकते कि वो पूजा कर रहा है तब कैसे पहचानोगे तब उन्होंने क्या कहा जो कहते चले आ रहे हैं शुरू से यज्ञ दान और तप तो देवता भी करते हैं भगवान भी करते हैं इसलिए सबको करना है ये तो नियत कर्म है ये पवित्रता को भी पवित्र करने वाले साधन है इसलिए उनके यज्ञ दान और तप की क्रिया को देखो और उसके पहले उनको भोजन को देखो इन चार चीजों से पता लग सकता है कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है क्या खाना खाता है अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रिलेशन भी है इस गीता में ध्यान से स्टडी किया जाए कि उन्होंने सात्विक फूड राजसिक फूड तामसिक फूड की परिभाषा दी है सात्विक फूड ग्रहण करने वाले की परिभाषा दी है फूड की परिभाषा नहीं दी है क्योंकि हम मनुष्य को कैटेगराइज करने जा रहे हैं कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है उसकी फूड की प्रवृत्ति से उसको हम सात्विक बनाएंगे राजसिक बनाएंगे तापसिक बनाएंगे अब मैनेजमेंटलेसन क्या समझने का है सात्विक अंतकरण जो है वंचित बुद्धि अहंकार जीवात्मा के सबसे सब नजदीक है शुद्ध है तामसिक सबसे दूर है रासिक बीच में है तो कहते हैं ताम जो राजसिक जो सात्विक है वो क्या करता है सोचता है बिना सोचे कुछ नहीं करता और तामसिक क्या है और राजसिक वो बिना सोचे करता है बताएं कि कैसे तो यहां मैनेजमेंट लेसन क्या आया गया जो मैनेजमेंट बिना सोचे काम करता है रोज का रोज बजट बनाना ये करना वो राजसिक तामसिक कैटेगरी में है उसको न सिद्धि प्राप्त होगी न सफलता प्राप्त होगी सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा उसको मैनेजमेंट लेसन क्या है कि पहले विजन बनाओ दस साल बाद कंपनी को कहां ले जाना है उसी तरह दस साल हमको कहां पहुंचना है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड गोल और उसके अनुरूप फिर कार्य करो मिशन तो विजन और मिशन की जो थ्योरी है वो ये गीता में है इस चैप्टर में क्या जहां भगवान डिफाइन कर रहे हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य कौन है कौन है सात्विक प्रवृत्ति वाला तो उसको डिफाइन करते हैं देखिए कैसे डिफाइन करते हैं सात्विक मनुष्य मोक्ष चाहता है आवागमन से छुटकारा चाहता है सत्य को भी छोड़ना चाहता है उसके लिए क्या करता है कि हमें लॉन्ग लाइफ चाहिए ताकि अपना उद्देश्य पूरा करें आयु लंबी होनी चाहिए हमारी उद्देश्य पूरा हो जाए केवल आयु लंबी होने से उद्देश्य नहीं पूरा होगा हमारे साथ सात्विक बल भी होना चाहिए मन का बल बुद्धि का बल शरीर का बल अगर ये सब नहीं होगे तो केवल आयु से कुछ नहीं होगा इसलिए फिर दूसरा उसका टारगेट है कि सत्व बल भी होना चाहिए मेरे पास और तीसरा टारगेट है कि हमें निरोग रहना चाहिए क्योंकि रोग ग्रसित होंगे तो काम कैसे होगा आयु बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना शांति भी रहनी चाहिए और सबके लिए प्रेम भी रहना चाहिए यह उसका विजन है सात्विक निष्ठा वाले का और यही विजन जब हम अपने काम में लाते हैं इंडस्ट्री में लाते हैं कर्म में लाते हैं तभी हम सक्सेसफुल होंगे अब इसको अचीव करने के लिए वो क्या करता है भोजन करता है एक साहब ने बड़ा एक अच्छा आर्टिकल मेरे ख्याल कोई दीक्षित जी का एक आर्टिकल आया है इसी ग्रुप में जहां उन्होंने कहा कि अन्न से काम नहीं बनेगा अन्नमय कोष प्राणमय कोष ज्ञानमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष की बात कही है उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर अन्न नहीं है तो ये सारे कोष धाराशाही हो जाएंगे अन्न से ही ये सब चलते हैं अन्न गायब तो ये सब गायब इसलिए भगवान ने सेकंड चैप्टर में डिफाइन कर दिया है थर्ड चैप्टर के फोर्टीन चैप्टर में अन्नाद भवंती भूतानी परजन्यो अन्न संभव यज्ञात भवंती परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भ कर्म ब्रह्मा भयो वृत्ति ब्रह्मा अक्षर समुद्भ इसलिए वो कोष अपनी जगह पर हैं लेकिन कोष का आधार अन्न है अन्न ही नहीं है तो प्राणी नहीं जीवित रहेगा तो दूसरे कोषों का कोई मतलब नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कि अन्न को हम 20 परसेंट मान लें और बाकी 80 परसेंट बीस बीस ऐसा नहीं है अन्न को आपको 100 परसेंट मानना है क्यों कि ये जस्ट लाइक इमेजिन करिए कि जब हम लोग आई में गए थे तो जो इंग्लिश में फेल वो फेल उसकी न फिजिक्स जाती जाएगी न केमिस्ट्री न मैथ्स बाहर वही मतलब है इसका कि अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे बोल नहीं पाओगे लिख नहीं पाओगे तो तुम और सब रहने से कोई फायदा नहीं वही अन्न का यहां पर स्थान है अन्न गायब तो सब गाय इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कैसा भोजन किया जाए लॉन्ग टर्म आयु हो लॉन्ग टर्म शुद्ध बल हो आरोग्य हो सुख और शांति हो प्रीति हो इसके लिए भोजन रसिया स्निग्धा हृदय स्थिरा तीन क्वालिटी रस भरा भोजन भोजन जिसमें रस हो फल और सब्जियां रस्या स्निग्धा जिसमें थोड़ा स्टार्च हो बटर हो घी हृदय स्थिर जो हृदय में स्थिर रहे खाए और निकल मत जाए अपने सारे तत्व को दे सात्विक भोजन है सात्विक मनुष्य को यह भोजन पसंद होता है इस भोजन को देख करके हम कह सकते हैं कि सात्विक मनुष्य है अब राजसिक का देखिए हमने आपसे क्या कहा सात्विक विजन और मिशन पर चलता है राजसिक के पास विजन मिशन नहीं है राजसिक के पास अपनी कामना और अपनी इच्छा है वही उसका विजन मिशन है अपना स्वार्थ है अपने लिए क्या करना है वही सोचता है और कुछ नहीं सोचता सात्विक सोचता है लॉन्ग टर्म में निकल जाओ इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त करके पहले इसने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है तब इसने डिसाइड किया इसके लिए क्या खाना है राशि क्या कहता पहले खा लेता है कैसा खाता है कड़व अम्ल लवण अति उष्ण अति तीक्षण अति उदाहरण खट्टे कड़वे नमकीन बहुत धदकता हुआ जलता अति उष्ण अति तीक्षण तीक्षा को नाक से पानी निकलने वाला सोच नहीं रहा यह खा रहा है इसलिए सात्विक सात्विक नहीं है राजसिक है ये खाने के लिए जिंदा है और सात्विक क्या है जिंदा रहने के लिए खाना खा रहा है लॉन्गेविटी के लिए निरोगता के लिए बल के लिए आरोग्यता के लिए तो इसको क्या मिलता है इसको दुख और शोक मिलता है बीमारियां मिलती हैं, रोग मिलता है ये रोग से ग्रसित रहता है न इसको बल मिलेगा न बुद्धि में बल होगा न मन में बल होगा न इंद्रियों में बल होगा न शरीर में बल होगा न सोचने की ताकत होगी न करने की ताकत होगी ये राजसिक है ये राजसिक भोगी है और तामसिक के लिए कोई रूली नहीं है उन्होंने कहा वो क्या खाता है भाई वो अधिक खाता है बिना सीजन का चीजें खाता है फ्रिज में रख करके छह महीने बाद का आएगा ये सारे जो उपकरण आपके हैं तामसिक है जितने आप किचन में रखे हो दुर्गंध वाला सड़ा हुआ क्या मदिरा पिएगा लहसुन खाएगा प्याज खाएगा दुर्गंध वाली चीज उसको उसमें स्वाद आता है, हड्डी मांस वाला, रज और वीर से पैदा हुई चीजें खाएगा मांस मछली और वही कह के भगवान ने खत्म कर दिया ये नहीं कहा कि उसका होगा क्या उसने तो अपने आप ही कबाड़ा कर लिया अपना भी खराब विश्व का भी खराब दूसरों का भी खराब वही है वो तामसिक तो भोजन करने के उसे आप पहचान सकते हैं फिर कहते हैं यज्ञ दान और तप से भी पहचान सकते हैं जो यज्ञ करता है को चलाने के हार्मनी ऑफ द नेचर को बैलेंस करने के लिए वो सात्विक है अपना कर्तव्य ही धर्म है उस धर्म को निभाता है जिसके लिए वो बनाया गया भेजा गया वो सात्विक यज्ञ है और जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करता है दम्भ के लिए अहंकार के लिए वो राजसिक है और जो अपना भी अहित करे दूसरे का भी अहित करे संसार का भी हित करे वो तामसिक है ऐसा यज्ञ करता है इसी प्रकार तप भी तीन प्रकार का होता है सात्विक राजसिक तामसिक सूत्र एक ही है क्या सूत्र है हार्मनी ऑफ द नेचर ब्रह्मांड की हार्मनी बनाए रखना सात्विक है कैसे बनेगी हर चीज अपना कर्म करेगी इसलिए हम अपना कर्म नहीं करते क्यों हम अपना स्वार्थ करते हैं जो हमारे संस्कार हैं वो निकलेंगे उनको निकलने देना ही हमारा कर्तव्य है लेकिन जब वो निकलते हैं अच्छे लगते हैं तो हम भांगड़ा करते हैं बुरे लगते हैं तो सियापा करते हैं इसलिए फिर वो वापस आ जाते हैं यही अकर्म है यह कर्म नहीं है सात्विक तप यही है अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए कष्ट सहना सात्विक तप है वो कर्तव्य कर्म जो इस ब्रह्मांड को चलाने में योगदान दे रहे हैं शरीर का तप बाड़ी का तप मन का तप शरीर का तप क्या है देवगुरु प्राग्ञ पूजनम देवता की ब्राह्मण की गुरु की और सिद्ध पुरुष की पूजन करना सेवा करना शरीर का तप शौचम आर्जवम शरीर को शुद्ध रखना अंदर और बाहर से सरल रखना अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर के द्वारा कोई हिंसा न हो शरीर के द्वारा ब्रह्मचर्य का भंग न हो ये शरीर का तप है यही सारे शरीर के तप टेन कमांडमेंट में भी आते हैं बाइबल में यही आते हैं वाणी का तप क्या है शरीर के तप से बाड़ी का तप डिफिकल्ट है शरीर का तप आसान है बाड़ी का तप उससे मुश्किल है क्योंकि एक छाटांग की जीव तुरंत हिल जाती है टाइम नहीं लगता क्योंकि शरीर को तो हिलाने में टाइम लगना पड़ेगा डिसीजन लेना पड़ेगा तो क्या कहते हैं बाणी का तब चुप रहो ज्यादा से ज्यादा चुप रहो क्या होता है चुप रहने से चुप का मतलब बाणी से बोलना नहीं शांत अनुद्वेग कर्म क्योंकि तो बोलोगे तो या तो प्रिय होगा या अप्रिय होगा दूसरे वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा तो जितना कम बोलोगे उतना बुरा लगना कम होगा जब बोलोगे नहीं तो बुरा कहां से लगेगा इसलिए कम से कम बोलो ये बाड़ी का तप है और तभी बोलो जब बोला जाए तुमको बोलने के लिए हम उल्टा करते हैं हिंदुस्तानी बिना पूछे बक 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 बक, बक, बक। हर चीज में अपनी अड़ाते हैं देखिए जरा फॉरनर्स को उनको जब तक पूछा नहीं जाता वो बोलते नहीं हम तुरंत बोलते हैं पूछो या ना पूछो हर चीज का ज्ञान है हमारे पास डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ा देते हैं इंजीनियर को इंजीनियरिंग पढ़ा देते हैं तो कम बोलोगे तो अहितकर बाणी भी कम होगी जो दूसरे का अहित करेगी और कम बोलोगे तो अप्रिय बाणी भी कम होगी और कम बोलोगे तो झूठ पिसाद भी कम होगा क्योंकि जितना बोलते हो बाकी तो फालतू ही होते हैं इसलिए चार चीजों को कहा गया है बाणी के तप में कम से कम बोलना अनुद्वेग ना पैदा करना क्षोभ न पैदा करना बाणी के द्वारा बाणी के द्वारा केवल सत्य ना बोलना असत्य न बोलना के द्वारा केवल प्रिय बोलना अप्रिय न बोलना बाणी के द्वारा हितकर बोलना अहितकर न बोलना इसलिए बाणी का तप डिफिकल्ट है इसका सूत्र है कि कम से कम बोलो इन चारों में से एक भी प्रेजेंट है तो बाड़ी का तप भंग हो गया अगर आपने सत्य बोला लेकिन अप्रिय बोला बाणी का तप नहीं है वो क्या कहता है भाई प्रियम ब्रुआस सत्यम ब्रुआ न ब्रुआस सत्यम अप्रियम प्रिय सत्य मत बोलो प्रिय बोला लेकिन सत्य नहीं बोला भंग हो गया बास को बहुत मीठी मीठी बातें कही लेकिन वो सत्य नहीं थी बाणी का तप भंग हो गया चमचागिरी करना बाणी का तप भंग करना है क्योंकि तो चमचागिरी में अपना स्वार्थ निहित है हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं है जो निस्वार्थ है जो विश्व के कल्याण के लिए पैदा हुआ है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए पैदा हुआ है और उसी से उसकी मुक्ति मिल जाएगी तो सबसे डिफिकल्ट है मन का तप मन में ही तो विचार उठते हैं पहले फिर बाड़ी बोलती है और शरीर करता है प्रोडक्शन हाउस तो मन ही है मन में विचारों का उठना निरंतर लगातार जारी रहता है क्यों क्योंकि हमने जो भी भाव भरे हुए हैं चित्त में वो निकलते हैं इसलिए क्या करना है मन की तपस्या क्या है उस भाव के साथ जुड़ो मत संबंध मत जोड़ो आप जरवर बने रहो निकलेंगे चले जाएंगे निकलेंगे चले जाएंगे पैदा होंगे मरेंगे पैदा होंगे मरेंगे तुम तटस्थ भाव से दृष्टा की तरह उनको बस देखते रहो ये मन का तप है सौम्य भाव से मौन भाव से शरीर का तप वाणी का तप मन का तप तीनों करना है ब्रह्मांड को चलाने में बिना अपनी इच्छा के रखे इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं अगर इच्छा की पूर्ति के लिए हुआ तो राजसिक हो गया भगवान की सेवा के लिए हुआ तो सात्विक हो गया इसलिए गीता में तीन तरह के गुणों का वर्णन है रज और तम लेकिन एक चौथा गुण है जिसका वर्णन कहीं कहीं आया है वो क्या है निर्गुण उसकी व्याख्या मैं करूंगा इसी चैप्टर में निर्गुण क्या होता है चौथा गुण तो तप हो गया आहार हो गया आहार से पता करेंगे सात्विक राजसिक तामसिक है पूजा से पता करेंगे सात्विक राजसिक तामसिक है तब से पूजा तब से पता करेंगे सात्विक राजसिक तामसिक अब बच गया दान क्योंकि यज्ञ दान तब तो सबको करना ही करना है जो नहीं किया वो तो असुर हो गया अब दान जो सात्विक दान है वो क्या है उसके दो एलिमेंट है दान देना केवल देने के लिए है उसके साथ जुड़ना नहीं अपने को बताना नहीं कि मैंने इतना दान दिया इसको दिया ऐसे दिया पहला यह है जिसको कहते हैं गुप्त उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो दान के साथ दान क्यों कर रहे हो क्योंकि प्रकृति दान की है तुमको इसलिए तुमको दान करना है बिना प्रकृति के तुम एक क्षण जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन खींच ली जाए तो दो मिनट में स्वाहा दे रहा हो पैसा ऑक्सीजन के लिए प्रकृति का हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको उठा उसको वापस करना ही दान है सृष्टि को देना ये हमारा धर्म है और कर्म भी है दो ज्यादा लो कम ताकि कर्जदार न बने रहो तो सात्विक दान में दान से संबंध नहीं है नंबर वन नंबर टू कि देश काल और पात्र को देख करके दान दिया जाता है इसको समझिए बहुत जरूरी है हमने तो दान दे दिया जी उनको दे दिया उसको पढ़ा दिया उसको ये कर दिया वो दान नहीं है उसकी सहायता कर दी वो दान नहीं है वो राजसिक दान है समझो सात्विक दान क्या है देश काल और परिस्थिति जिस देश में जिसकी कमी है उस चीज को देना असली दान है जिस समय जिस चीज की कमी है उस समय उस चीज को देना दान है जिस परिस्थिति में जिस चीज को देना जरूरी है वो देना सात्विक दान है ये सात्विक दान है जिस चीज से हमें दम और अभिमान और सत्कार और बढ़ाई ये सब मिले वो राजसिक दान है कि हमने तो एनजीओ बना लिया है इतने लोगों की मदद की है समाज में हमारी बढ़ाई होगी हमारा सत्कार होगा हमारी प्रशंसा होगी ये राजसिक दान है या हमने अपने सगे संबंधियों को मदद कर दिया ये राजसिक दान है सात्विक दान वो है जिसमें वापस की अपेक्षा नहीं है सात्विक दान बिजनेस नहीं है ये बिजनेस है बिजनेस होता है लेना देना कि हम कर रहे हैं तो वो भी कुछ करेगा वो राजसिक दान है मदद किया सबको बच्चों को भी भतीजों को सबको कि बुढ़ोती में मेरी मदद करेंगे ये राशिक दान है ये सात्विक नहीं है अपना कर्तव्य समझ करके जो कर दिया वो सात्विक दान है और तामसिक दान क्या है जो न पात्र देखता है न समय देखता है न परिस्थिति देखता है न विधि देखता है कुछ नहीं देखता है। दान है तो अब यहां तक भगवान ने समझा दिया अर्जुन को कि तुम खाने से पहचान सकते हो कि क्या खा रहा है पूजा से पहचान करते हो किसकी पूजा कर रहा है यज्ञ से पहचान सकते हो कैसा यज्ञ कर रहा है तप से पहचान सकते हो कैसा तप कर रहा है दान से पहचान करते हो कैसा कर रहा है अब इस चैप्टर का कंक्लूजन होना है और गीता का भी कंक्लूजन होना है तो गीता का कंक्लूजन कैसे हो रहा है कि जो भी क्रिया करो उस क्रिया को भगवान को दे दो भगवान ही सत्य है ईश्वर ही सत्य है और सब असत्य है ईश्वर के अलावा जितने हैं सब असत्य हैं क्यों परिवर्तनशील है सब में परिवर्तन हो रहा है सबका बिगनिंग और एंड है कर्म का भी बिगनिंग और एंड है फल का भी बिगनिंग और एंड है क्रिया का भी बिगनिंग और एंड है सोचने का भी बिगनिंग और एंड है और भगवान क्या है न आदि है न अंत है कुछ नहीं है और सब कुछ है कुछ नहीं सब कुछ है वही भगवान है उसको जो कर्म करके देते वो निर्गुण हो जाता है उसमें कोई गुण नहीं होता न सात्विक राजसिक न तामसिक उसकी विधि बताई है गीता ने क्या करो कैसे करो कि सारे गुण निर्गुण हो जाए कैसे करो कि सारी क्रियाएं सारे फल भगवान को मिल जाए हमें कुछ नहीं मिले हमें कुछ नहीं चाहिए तभी तो हम मुक्त होंगे तो उसके लिए बताया है कि जो भी क्रिया करो उसमें ओम तत्सत इसका उच्चारण करके करो ओम तत्सत क्यों कहा है क्या होता है इससे ओम है प्रणव जिससे सृष्टि की रचना हुई अम ब्रह्मा विष्णु महेश से गायत्री निकली गायत्री से तीनों वेद निकले वेदों को क्रियान्वित करने के लिए ब्राह्मण निकले जो तो वेद को जानता है तो जब हम ओम तत्सत कहते हैं तो हम उसको याद करते हैं क्या वो प्रणव जिसने सब कुछ बनाया जो स्रोत है सब चीज का तत् तत् क्या है निर्गुण ब्रह्म सत वही सत्य है जब भी क्रिया करो इसको मन में उच्चारण करो ओम तत्सत तो अगर तुम्हारे करने में कुछ त्रुटि हो गई उसके जिम्मेदार तुम नहीं होगे भगवान होगे खाने में भी त्रुटि हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम नहीं होगे भगवान होगे यही फिलॉसफी है कि मीरा ने बिस पी लिया और शंकर ने बिस पी लिया कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ओम तत्सत कर दिया ओम तत्सत करने से भोजन भी शुद्ध हो जाता है क्रिया भी शुद्ध हो जाती है विचार भी शुद्ध हो जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों शुद्ध हो जाते हैं इसलिए भगवान ने कहा कि कोई भी क्रिया करो तो जब ये उच्चारण करोगे तो तुम्हारे मानसिकता में ये आएगी कि वो ब्रह्म प्रणव वही आदि है उसी से गायत्री निकली वेद निकले ज्ञान निकला संसार निकला उसी को मैं अर्पित कर रहा हूं क्या अपनी पूजा अपना खाना अपना यज्ञ अपना तप अपना ज्ञान उसको दे रहा हूं मैं उसको दे रहा हूं क्यों दे रहा हूं उसी का ऋण चुका रहा हूं उसी ने मुझे जिंदा रखा है ऑक्सीजन दिया है पानी दिया है खाना दिया है बल दिया है आरोग्यता दी है आयु दी है इसलिए मैं सब कुछ उसको समर्पित कर रहा हूं तो ओम तत्सत कर देने से आपका भोजन भी शुद्ध हो जाता है आपका तप भी शुद्ध हो जाता है आपका दान भी शुद्ध हो जाता है आपका यज्ञ भी शुद्ध हो जाता है और आपकी पूजा भी शुद्ध हो जाती है और इन्हीं पांचों से भगवान ने कहा पहचान सकते हो कि ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है ये सात्विक राजसिक तामसिक के ऊपर चला गया कहा चला गया सात्विक राजसिक तामसिक गुण है ये निर्गुण बन गया ओम तत्सत करके निर्गुण हो गया तीनों गुणों से संबंध विच्छेद हो गया और ये तीन गुण ही सबकी उत्पत्ति करते हैं इसके अलावा ब्रह्मांड में कुछ है नहीं ये तीन गुण ही है तो इस तरह इस अध्याय की समाप्ति हुई गुणत्रय विभाग योगो नाम और अब बच गया क्या 18वां चैप्टर जहां पर पूरे गीता का सार आएगा निचोड़ अगर आपने अब तक गीता नहीं सुनी किसी ने और केवल अठारह सुन ले तो पूरे गीता का लाभ मिल जाएगा एक चैप्टर से तो हालांकि आज घंटी नहीं बजी दक्षिण जी की लेकिन मैं अपनी तरफ से ही आज विश्राम देता हूं अपनी वाणी को और आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आज ये आखिरी चैप्टर सत्रह चैप्टर श्रीमद भगवत गीता का समापन हुआ आप सबको कोटि कोटि नमस्कार दंडवत आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कुछ बोलने के लिए गीता के ऊपर नगर की जय सब सबका हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधार करे मिठाई गोपद सिंधु नल शीतलाई गरुड़ सुमेर रेन समताई राम कृपा कर जाई यही है ओम तत्सत यही है ओम तत्सत क्या हो रहा है हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं लंका में कैसे प्रवेश कर रहे हैं भविष्य नगर की जय शंका लंका में प्रवेश करिए काम करिए हृदय राख कौशलपुर राजा भगवान की मूर्ति हृदय में रखी हुई है क्या संकेत है चौबीस घंटे ओम तत्सत में रहो भगवान की प्रेजेंस हमारे हृदय में हमेशा रहनी चाहिए चौबीस घंटे क्या होता है गरल सुधा विष अमृत बन जाती है मीरा की बनी भगवान शिव की बनी विष अमृत बन गया गरल सुधा रिपु करे मिताई दुश्मन मित्रता करने लगता है गोपद सिंधु सारा समुद्र गा, गाय के खुर के बराबर रहता है अनल शीतलाई शीतलता की बारिश करने लगती है राम कृपा कर चितवा जाए भगवान राम की कृपा होने से यह अनहोनी होती है हमने समझाया था कृपा क्या है और दया है प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की कृपा है अनुकूल परिस्थिति भगवान की दया है और हम उल्टा समझते हैं भगवान ने दुख क्यों दिया अरे भगवान तुम्हारे दुख इसलिए दिया कि जो कर्म किया कट जाए निकल जाए कृपा करके दे दिया नहीं तो बना रहेगा कभी उद्धार होगा ही नहीं तुम्हारा जब तक कटेगा नहीं इसलिए काटने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा किया जो तुम्हारा ही बनाया हुआ है उसको जल्दी जल्दी तुमसे निभवा रहे हैं और दया क्या है जब प्रतिकूल परिस्थिति में पास हो गए तो तुम्हारे ऊपर दया होती है सारी अनुकूल परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाती है कांटों पर चल लेते हो तो फूल बिछे हुए मिलते हैं मृत्यु का डर निकल गया तो अमरता आ गई इसलिए ओम तत्सत हर क्रिया में याद रखिए ओम तत्सत कहना है यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है ओम तत्सत क्यों एक तो आप भगवान को याद करेंगे ओम तत्सत करने से दूसरे आपकी क्रिया का संबंध भी छेद हो जाएगा कि आप इसको निर्गुण बना रहे हैं सतरज से निकाल रहे हैं इसको तो आप किसी का प्रश्न हो तो पूछिए हाँ बोलिए अनम्यूट अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए अब बोलिए बोलिए मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं कुछ अलग सा है क्वेश्चन आपने बोला कि जड़ और प्रकृति जब मिलते हैं यानी कि जीव और आत्मा मिलते हैं तो जीव आत्मा बनती है। यही है ना बात जब प्रकृति के साथ आत्मा मिलती है तो मनुष्य का मनुष्य बनता है ये बात नहीं ऐसा नहीं है हाँ कैसे बताइए जरा एक बार फिर ऐसा है शुरू में केवल ब्रह्म ही था क्योंकि वो तो पैदा नहीं होता न घटता है न बढ़ता है न मरता है वो दो रूपों में परिवर्तित हुआ प्रकृत और पुरुष प्रकृत जड़ पदार्थ है और पुरुष चेतन तत्व है इन दोनों के संजोग से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ इन शक्तियों को कहते हैं परा और आपरा शक्ति अपरा शक्ति प्रकृत है और पराशक्ति चेतन शक्ति है ठीक है अब तो... जब अब जब हम आगे बढ़ते हैं ये तो निर्माण हो गया ये शुद्ध था ये जिस समय निर्माण हुआ शुद्ध हुआ लेकिन परा अपरा दोनों विकार इकट्ठा करने लगे जब विकार इकट्ठा करने लगे तो वो जीव जो पुरुष बना था वो जीवात्मा बन गया वो थी आत्मा लेकिन विकारों को इकट्ठा करके बन गई जीवात्मा और जब विकारों को शेड कर देगी तो वो फिर परमात्मा का बन जाएगी यही मैं इसी क्वेश्चन को ले रही हूँ कि अजीब सा क्वेश्चन है कि कितनी आत्माएं हैं कि, कितना मतलब पॉपुलेशन का उससे कोई रिलेशन है या जब बार ये जुड़ता है जब विकार पैदा होता है जुड़ता है और फिर जीवात्मा बन जाती है तो आप इसको मतलब कैसे पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की या और ज्यादा कलयुग आने की या ज्यादा वो कैसे मतलब कैसे होगा वो कैसे होता है आपका जो प्रश्न है वो हरेक आदमी का प्रश्न है हर एक आदमी हर एक आदमी यही प्रश्न पूछेगा कि क्या जीवात्माएं एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है अगर वेरिएबल है तो क्या उसके डिपेंडेंट है किस पर वेरिएबल है किस पर डिपेंडेंट है कितनी आत्माएं हैं हाँ ये सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं मेरे राइट right. इसका देखिए समाधान ये है एक तो दो मैं प्रकृति से आपको उदाहरण दूंगा कि जितने पूरे संसार में धूल के कण हैं उनको गिन के बताइए कितने हैं सकते वही हाल जीवात्मा का भी है नहीं लेकिन 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 ये धूल के कण अपनी दशा बदलते रहते हैं ये धूल के कण कहीं कीचड़ बनते हैं कहीं धूल बन के हवा में उड़ते हैं है ना इनकी स्थिति बदलती रहती है वो तो वही तो हाल वही हाल इन आत्माओं की है उनकी स्थिति बदलती रहती है तभी तो चौरासी लाख जोनी चलेगी वो ठीक है इसका मतलब है कि टोटल आत्मा उतनी है चाहे वो इस योनी में हो चाहे वो भी ये ये नंबर की बात आन्टी? नहीं है बात ये बात जो है नंबर ये मैथमेटिक्स नहीं है देखो इसको ऐसे समझिए हमारे पुराने ऋषियों ने वेद शास्त्र को मैथमेटिक्स द्वारा समझने की कोशिश की पूरे साइंस को एनालिटिकल वे में समझने की कोशिश की और उन्होंने आविष्कार किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कि हर पदार्थ एटम से बना है एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एक गति करता है इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन बैठा हुआ एक न्यूट्रॉन है कोई चार्ज नहीं है तो क्वेश्चन ये है कि वही करती है कि वही साइंस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खत्म हो जाना चाहिए तो उसी एटम में दोनों खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अपने अपने उस पर घूमते हैं हाँ दूसरी तो इसका जो है काट निकाला हमारे लेटेस्ट जो वेदांती लोग हैं वेद व्यास पातंजलि ये लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है कड़ात की थ्योरी कण की थ्योरी गलत है तब उन्होंने थ्योरी ऑफ सत्य स्तंभ निकाला अब सत्य और की तो कहीं सीमा ही नहीं है कड़की तो सीमा थी कड़की तो सीमा थी ना छोटे करते जाओ छोटे करते जाओ फिर भी छोटा रहेगा कुछ रहेगा यहां तो सत स्तंभ कुछ रहेगा ही नहीं शत्रु स्तंभ तो आइडिया है पदार्थ तो है नहीं लेकिन तो सारा विश्व तो जो है ये सतरज तम से बना है भावना एनर्जी भावना तो का, का ही विस्तार है एनर्जी तो परिवर्तित होती है वो तो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है आप भी कन्वर्ट हो, हो, सकते हो राशिक से सात्विक बन सकते हो सात्विक से स्थित प्रज्ञ बन सकते हो पर नंबर तो सेम है सकते हो सब छोड़ सकते हो जब सब छोड़ सकते हो जब आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप ब्रह्म हो हाँ, वो ब्रह्म है ठीक है लेकिन बढ़ना टोटल पॉपुलेशन का कम होना इंक्लूडिंग जीव हर तरह के तीनों जो हैं कीड़े मकोड़े या मनुष्य जन्म या जो भी उत्कुल में जो भी है उनकी पूरी फिक्स रहनी चाहिए नहीं, नहीं आठवें चक्र आप आठवें चैप्टर को दोहराइये आठवें चैप्टर में भगवान ने कहा गणना की टाइम की और चीजों की गणना कैसे की और जीवों की गणना की क्या कहा कि कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता सब मिला के फोर्टी थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स होता है एक चतुर्युग इसका एक हजार बार कर दो तो वो ब्रह्मा का एक दिन है और उतनी ब्रह्मा की एक रात है राइट जिसको कहते हैं प्रलय और उत्पत्ति हम सर्वस्व मत्ते मत् सर्वम प्रवंत मत्वा भजनते माम बुधा भाव समन्विता ये प्रलय विलय ये साइनु साइडल जैसे रात दिन हो रही है वैसे ये भी हो रहा है उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उसमें सारे जीव अपने अपने कर्मों को लेकर के सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं और फिर जब उद्भव होता है तो सब अपने कर्मों को लेकर के प्रकट होते हैं तरह तरह की योनियों में फिर उनको स्वच्छता दी गई है क्या भोग योनि और कर्म योनि हम लोगों की कर्म योनि है इसी योनि से मुक्ति मिलेगी बाकी सारी योनिया भोग योनि है वहां केवल पुराने कर्मों को भोगा जाता है इसलिए देवता को भी मुक्ति चाहिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा क्योंकि इसमें कर्म की स्वतंत्रता केवल हमें दी गई है नंबर करें कि हम भांगड़ा करें वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है नंबर कैसे आगे पीछे होता है आ, कितनी ब्रह्मा कितनी आत्मा पैदा करते हैं हर जो उनका पीरियड है उसमें हाँ? ब्रह्मा अपने आप आत्माएं निकलती हैं पैदा होती हैं और मरती हैं ब्रह्मा का उसमें कोई रोल नहीं है शुरू में सृष्टि बना दिया खत्म हो गई सब अपने अपने कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं अपने अपने कर्म से चल रहे हैं अपने अपने कर्म से मर रहे हैं ना ब्रह्मा का उसमें है न शिव का है न विष्णु का किसी का कुछ नहीं है केवल हमारा है उसी में कोई जानवर बन जा रहा है जानवर ज्यादा हो जाएंगे मनुष्य कम हो जाएगा ज़्यादा चौरासी लाख जूनियों में कीट पतंग भी है पशु पक्षी भी है कीड़े मकोड़े भी है देवता भी है मनुष्य भी है इतनी सारी चीजें हैं। ये तो, सब परिवर्तित होती रहेंगी एक दूसरे में ओवर करती रहेंगी मनुष्य जानवर बन सकता है मनुष्य मनुष्य जो देवता बन सकता है देवता मनुष्य बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कर्म थ्योरी वो सब ठीक है जैसा कर्म करोगे भाई जी बनोगे लेकिन कॉम्बिनेशन तो है ही तो वो वो कॉम्बिनेशन कोई फिक्स नहीं है ये ऑल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन क्योंकि हम तो फिक्स नहीं कर सकते कि आप क्या करेंगी आप सत स्तंभ में कौन सा गुण लेकर चलेंगी कौन का पालन करेंगे कौन का नहीं पालन करेंगे वो हमारे वो आपके बस में हमारे बस में तो है नहीं इसलिए हम ये हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कितनी आत्माएं और क्या कर रही हैं ये प्रकृत डिसाइड करेगी आत्माएं खुद डिसाइड करेंगी ये कोई नहीं डिसाइड ये कोई आत्माओं का एक जादू नहीं चल रहा है कि इतनी आत्माएं बन गई इतनी बिगड़ गई आत्माएं अपने अपने कर्मों से चल रही हैं बिगड़ रही हैं और वो कर्म उनका है वो कोई और नहीं कर सकता और कोई और नहीं जान सकता इसलिए ये कहना कि कितनी आत्मा है इम्पोसिबल है कोई नहीं कर सकता जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कितने धूल के कड़े गेंदों कम बेसि होते रहेंगे कुछ कीचड़ बन जाएंगे कुछ हल्के बन जाएंगे कुछ हवा में उड़ेंगे कुछ नीचे चलेंगे कुछ रेगिस्तान में जाएंगे कुछ धरती पर गिर जाएंगे टेम्परेचर क्लाइमेट सब इनको डिसाइड करेगी टेम्परेचर लो होगा तो नीचे आ जाएंगे टेम्परेचर हाई होगा तो ऊपर चले जाएंगे तो, तो ये जान सकता ये क्लाइमेट और ये वेदर डिसाइड करता है कि कितना समुद्र का पानी भाप बना कितनी वर्षा हुई कहाँ हुई कैसे हुई क्या कोई कह सकता है लेकिन आत्मा तो जो है वो तो एक मैंने बोला ना प्रकृति है आप कह रहे हो चेंज होती है आत्मा का नंबर जो है वो कौन कैसे डिसाइड होता है वो ऐसे है समुद्र की बूंदे आप डिसाइड कर सकती है समुद्र में कितने बूंदे होगी डिसाइड कर सकती है कभी टाइम कितनी बूंदे जो है ऊपर जाएंगी भाप बनके वो आप बता सकती हैं समुद्र में सूरज की किरण पड़ रही है और समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है कितना जा रहा है गिन सकते हो लेकिन प्रकृति को नहीं मैं लिविंग जो उसमें पार्ट है आत्मा उसकी बात करें लिविंग नॉन लिविंग सब सब में आत्मा है आत्मा सबके अंदर है परा अपरा शक्ति दोनों के संजोग से चर सचर अचर सब बना है दोनों शक्तियां हैं पानी में भी आत्मा तत्व है पानी में भी आत्मा तत्व है, पानी में ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है क्यों पंडित लोग पानी छिड़कते हैं क्योंकि मंत्र का उच्चारण जब होता है तो पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है और फिर वो छिड़का जाता है सबके ऊपर अच्छा हाँ ये, ये तो होता है तो so, साइंटिस्ट भी तो यही कह रहे हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो ये ये मनुष्य भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा चाहे आत्मा से परमात्मा बन जाए करेक्ट सही कहा आपने तो ये हमेशा चलता रहेगा कौन इसमें से निकल जाता है ये अलग बात है Correct. बड़ा मुश्किल है निकलना करेक्ट बहुत मुश्किल है जो कोशिश करेगा वो निकलेगा जो कोशिश ही नहीं करेगा और निकलेगा कहा जो मिशन और भिषण में रहेगा वो निकलेगा भगवान ने कहा ना कि पहले विजन बनाओ खाने का देखिए उसी में मैनेजमेंट थ्योरी ला दी ना विजन मिशन की कि कह रहे हैं क्या आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धा हृदय स्थिरा आहारा सात्विका प्रिया सात्विक को यह आर प्रिय है क्यों वो विजन और मिशन वाला है वो मुक्ति चाहता है और मुक्ति के हिसाब से भोजन कर रहा है राजसिक एंजॉयमेंट चाहता है भोग करना चाहता है उसी के हिसाब से भोजन कर रहा है तो अगर हमें मुक्ति चाहिए तो उसका भी रास्ता भगवान ने बताया और नहीं चाहिए तो उसका भी रास्ता बता दिया सब कुछ बता दिया गीता में कोई ज्ञान नहीं है विश्व में जो गीता में नहीं है सारी साइंस है गीता में सारा मैनेजमेंट है गीता में लेकिन कहीं पे वो बना तो हुआ है क्योंकि क्लियर कभी नहीं हो पाया कि ये जीवात्मा का ये मतलब शरीर के सारे वो छूट जाए संकल्प और तो ये एक थोड़ा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन यही तो आठवें चैप्टर में कहा भगवान ने कि मिलियंस एंड ट्रिलियन ऑफ पीपल स्टार्ट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ बट ए फ्यू ऑफ देम कंटिन्यू मोस्ट ऑफ देम फॉल ए पार्ट और उस फ्यू में से वेरी फ्यू आर एबल टू नो मी तो मन को इस द्वंद से निकालना गीता सुनने के बाद यही कर सकते हो कि जो आपने मन वाणी और आहार से और उससे सबसे जो भी उसकी क्वालिटीज बताई हैं सात्विक उसमें बस उन्हीं का पालन कर सकते हो हाँ और, ये, कर, ये हमारे पास हम कर सकते हैं ये कर सकते हैं और जिसका मन लगता है मेडिटेशन में ठीक है हाँ तो यही एक तरीका है मतलब और तो देखो जब उन्होंने वहां कही ना सुर की देवता की क्वालिटी बताई तो तीन श्लोक में बताई पहले श्लोक में बताई भाव क्या होना चाहिए क्योंकि भाव ही तो कर्म कराता है यस फिर दूसरा बताया उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए क्योंकि तो संसार में है तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा और तीसरा बताया कि उसका फिर प्रभाव क्या होगा तो जिन दिनों सतयुग था इसका मतलब लोग ऐसे थे उसमें राजसी लोग कम थे उसमें धर्म का चारों पैर इंटैक्ट था यस और अब कलयुग इसलिए कहते हैं कि नीचे मतलब लोग उस भावों को कर, दूसरे भाव आ रहे हैं जो मदद त्रेता में एक 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 पैर टूट गया द्वापर में दो टूट गया कलजुंग में तीन टूट गया अब चौथा टूटने वाला है कलजुग केन्थ में फिर सतयुग आ जाएगा ऐसा बोलते हाँ सतयुग ये अठवा चैप्टर में कहा ना ये तो साइक्लिक सिस्टम है ये चलता रहेगा चलता रहेगा बनता भी जैसे रात और दिन है ये वैसे ये चलता रहेगा कोई रात दिन को बदल नहीं सकता है तो चलेगी रात के बाद दिन दिन के बाद रात होना ही होना है है ना जीवन के बाद मृत्यु मृत्यु के बाद जीवन होना ही होना है अच्छे कर्म करना और भगवान को समर्पण समर्पित रहना इससे इससे जिंदगी भी अच्छी हो जाती है बस आपको थर्ड चैप्टर का चौदाहवा श्लोक याद करना है अन्नाथ भवंत भूजानी कि पूरी सृष्टि को चलाने में योगदान हमको देना है और उस योगदान को कैसे दें अपने भाव से अपने व्यवहार से अपने विचार से उसके लिए डिटेल में बता दिया फर्दर भाव कैसा होना चाहिए विचार कैसा होना चाहिए व्यवहार कैसा होना चाहिए बाड़ी का तप क्या है शरीर का तप क्या है मन का तप क्या है सब तो बता दिया ये सब कर सकते हो इस बात को यानी कि छोड़ दें हम जो दिमाग में हमारे द्वंद बैठा हुआ है कि आत्मा पर आत्मा और उसका मिलन जीवात्मा जब बनी तो उसको छोड़ दें यानी कि करेक्ट कर्म करते रहे बस 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 उसको हटाना पड़ेगा दिमाग निशार्थ के। भाव से कर्म करते रहे सृष्टि को अपना जो कर्तव्य मिला हुआ है ना देखिये हम खानदान में है हमारा एक क्या है एक नियत कर्म है और एक नित्य कर्म है एक हम निमित्त बने हैं हम किसी की माँ है किसी के बाप है किसी के भाई है वो एक कर्तव्य है उसके साथ कर्तव्य निभाना है अपनी ड्यूटी करना है और दूसरा है अपने लिए जो कर्तव्य कर्म करना है वो है यज्ञ दान तप जो हमें पवित्र करेगा हमें स्ट्रेंथ देगा हमें ताकत देगा हमें सत्व बल देगा इससे हमें शांति मिलेगी परम शांति की नहीं तो आप अशांत रहेंगे yes. असली तो शांति चाहिए और जब अशांत रहेंगे तो रोग क्रिएट करेंगे और रोग से फिर और अशांत होंगे फिर और रोग होगा इस पैरल में चले जाएंगे इसलिए उस पैरल से निकल जाओ क्या सुख दुख के समय कृतवा की कितना देखते रहो दुख आया आया सुख आया आया आने दो इनका काम है आना जाना हमारा काम है इनको देखना उनके साथ संबंध नहीं रखना हाँ हैं ना यही तो मुश्किल है यही तो मुश्किल है क्योंकि संबंध तोड़ना ही तो मुश्किल है संबंध टूटा तो काम बना ये तो है इसलिए ओम तत्सत करते रहिए ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ये क्या है संबंध तोड़ता है ओम तत्सत ये सब भगवान कर रहा है करने दो उसको हम भी उसी के बनाए हुए हैं ये जो कर रहे हैं ले जाओ भगवान हमें नहीं चाहिए तो हम निर्गुण पैदा करते हैं गुण पैदा ही नहीं करते ठीक That... <laughs> है थैंक यू सो मच जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो निर्गुण हो जाता है यस yes. संबंध रहता है तो सत्य रज तम तीन गुणों में कुछ न कुछ होगा या तो सत्य होगा या रज होगा या तम होगा अब ज्ञान तो आपने सारा दे दिया खुद करें कुछ तब ना आपके अंदर ऑलरेडी ज्ञान है हम क्या दे सकते हैं नहीं नहीं ज्ञान तो भरा हुआ आपके अंदर हमने किस्मत वाले आप जैसे गुरु मिले नहीं तो मैं तो सच कह रही हूँ कि गीता मुझे कभी समझ समझ नहीं आई पहले तो ध्यान नहीं दिया बच्चे चले गए तो सोचा पढूं तो समझ नहीं आई बार-बार यही आए कि भगवान अपने कोई सब कुछ माने जा रहे हैं <laughs> तो आप मुझे काफी अच्छा लगा आपसे सुन के और आपका बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी तरह आप मैं तो आप सबका धन्यवाद दूंगा मैं भाग्यशाली हूँ आप लोगों जैसा वक्ता मिला जहाँ हमने गीता के ऊपर कुछ बोला और आपने हमारे इतने इतना कुछ बता दिया कि सोच भी नहीं सकते थे हाँ मतलब उस तरह मैंने कभी किसी से सुनी नहीं जैसे आपने बताई बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी और बहुत कुछ समझ आ गया अब अपनी अपनी मेहनत का बाकी करके दिखाना वो एक बात थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आगे भी आते रहिए और हमें बताते रहिए कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा बहुत ही धन्यवाद अग्रवाल साहब समाप्त किया जाए क्यों अग्रवाल साहब हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल थैंक यू